अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरह अल्फाज और सादा जुमलों के इस्तेमाल से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है हमारे पास प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हम हर हफ्ते को हॉकी खेलते हैं। We play hockey every Saturday. We play hockey every Saturday. अगला सेंटेंस है हमारे पास, हम कल खेलने के लिए गए थे। We went to play yesterday. We went to play yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मेरे साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं है। I have no friends to play with. I have no friends to play with. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींक या छींकना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, अली ने छींक आने पर अपना मुंह ढांप लिया। अली कवर्ड हिज माउथ व्हेन ही स्नीज्ड। अली कवर्ड हिज माउथ व्हेन ही स्नीज्ड। अगला सेंटेंस है हमारे पास, आप क्यों छींक रहे हैं। व्हाई आर यू स्नीजिंग। व्हाई आर यू स्नीजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो छींक रहा है। ही इज स्नीजिंग। ही इज स्नीजिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना या करीब होना या करीब। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो अपने वालिद के करीब खड़ी थी। शी स्टूड क्लोज टू हर फादर। शी स्टूड क्लोज टू हर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैंने अली से दरवाज़ा बंद करने को कहा। आई आस्क्ड अली टू क्लोज द डोर। आई आस्क्ड अली टू क्लोज द डोर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैंने गेट बंद कर दिया। आई क्लोज्ड द गेट। आई क्लोज्ड द गेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैंने मसला हल किया। आई सॉल्व द प्रॉब्लम। आई सॉल्व द प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप इस मसले को हल कर सकते हैं। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला सेंटेंस है हमारे पास, उसने मुश्किल मसला हल किया। ही सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ही सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना गाना या गाना। तो पहला सेंटेंस हमारे पास, मेरी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है। माई सिस्टर सिंग्स सॉन्ग्स वेरी वेल। माई सिस्टर सिंग्स सॉन्ग्स वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, क्या आप मेरे लिए कोई गाना गा सकते हैं। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। अगला सेंटेंस हमारे पास, उस लड़की को देखो जो अब गा रही है। लुक एट द गर्ल हु इज़ नाउ सिंगिंग। लुक एट द गर्ल हु इज़ नाउ सिंगिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लुक। लुक का मतलब होता है देखना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मुझे देखने दो। लेट मी लुक। लेट मी लुक। अगला सेंटेंस है हमारे पास, मैं जाकर देखूंगा। आई विल गो लुक। I will go look. Next sentence हमारे पास, मैंने उसे नहीं देखा। I did not look him. I did not look him. Next word है हमारे पास run. Run का मतलब होता है दौड़ना या भागना। तो पहला sentence है हमारे पास, मैं भाग सकता हूँ। I can run. I can run. अगला sentence है हमारे पास, मुझे दौड़ना पसंद है। आई लाइक रनिंग। आई लाइक रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो नहीं भागता। ही डज नॉट रन। ही डज नॉट रन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है तब्दील करना। पहला सेंटेंस है हमारे पास, उन्होंने क्या तब्दील किया।
वट डिड दे रिप्लेस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ब्राहे मेहरबानी उसे तब्दील करें, प्लीज रिप्लेस इट। अगला सेंटेंस है हमारे पास, इसे उसकी जगह लेने दें, लेट हर रिप्लेस इट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेंट। पेंट का मतलब होता है रंग भरना या रंग करना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो एक रंग करने वाला है, ही इज़ अ पेंटर। अगला सेंटेंस है हमारे पास, ये तस्वीर उसने पेंट की थी, दीज पिक्चर्स वर पेंटेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप जानते हैं कि आपकी पेंटिंग किसने खरीदी, डू यू नो हु बॉट योर पेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विसल। विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप सीटी बजा सकते हैं, कैन यू विसल। अगला सेंटेंस है हमारे पास, अली इज़ विस्लिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उसे सीटी बजाने ना दें, डो नॉट लेट हिम विसल। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।